हेलो बच्चों, दक्ष कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बेसिक पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस के बारे में, ठीक है? क्लास 11th में चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? स्ट्रेट लाइन वैसे किसका पार्ट होता है? वैसे पार्ट होता है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसका पार्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट होता है, ठीक है? अब ये समझ में आना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ते क्या हैं। एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो चीजों का मिक्सचर है। किसका किसका? ज्योमेट्री और एलजेब्रा का। ज्योमेट्री और एलजेब्रा का यानी कि हम एक लाइन को या बहुत सारी लाइंस को हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। या जो एक एल्जेब्रिक इक्वेशन होगा, जो एक एल्जेब्रिक इक्वेशन होगा, जैसे समझ लीजिए वाई इक्वल टू एक्स, इसको हम ज्योमेट्री में कैसे ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइन से, कि ये क्या है, वाई इक्वल टू एक्स की लाइन है। हाँ, तो यानी कि अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर का मतलब क्या कहते हैं कि जब हम एक एल्जेब्रिक इक्वेशन को कन्वर्ट करना चाहते हैं जियोमेट्री के फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, तब हमने बना लिया क्या कहते हैं कि तब हम जियोमेट्री, यानी कि वहां पे आता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का कॉन्सेप्ट। वैसे तो हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, क्लास 9th में भी हमने पढ़ रखा है। क्लास 10th में भी हमने पढ़ रखा है, अभी क्लास 11th में आ ही रहा है। तो जैसे हमने जो अभी तक पढ़ा है क्लास 9th से लेकर के अब तक, वो थी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्या है वो? टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। उस टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, मतलब 9th से लेकर के अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट एक्सिसेस क्या होते हैं। क्या हमने पढ़ा? कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या क्या होता है, ठीक है? इसमें हमने पढ़ा था एक्स एक्सिस, और क्या कहते हैं कि और हमने पढ़ा है वाई एक्सिस। तो दो टाइप्स के कोऑर्डिनेट एक्सिसेस होते थे, हमने दो अभी तक पढ़ रखे थे। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या, ये सब हमने क्लास 9th में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। जब हमने कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ लिया था, कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब एक्चुअल में क्या है कि जैसे ये पूरा पूरा ये क्या हुआ, जहां पे जिसमें जिस प्लेन में ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ की हुई है ना, दैट प्लेन इज नोन एज कोऑर्डिनेट प्लेन। अब इस कोऑर्डिनेट प्लेन को हम कितने पार्ट में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितने पार्ट में डिवाइड कर देती हैं, चार। कोऑर्डिनेट प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितने पार्ट में डिवाइड कर देती हैं, चार पॉइंट, चार में डिवाइड कर देती है। इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते थे इसको? बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां तक समझ रहे हैं? ये सारी बातें हमने क्लास 9th में पढ़ी है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था प्लॉटिंग अ पॉइंट्स इन अ प्लेन, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। हमने पॉइंट्स को प्लॉट करना भी सीखा था। कैसे? जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं और कैसे प्लॉट करते हैं वो मैं बताता हूँ। कि जैसे ले लेते हैं 3,0 -5,4, ऐसे कुछ भी ले लेते हैं। तब देखना, ऐसे हमने ऐसे एक, ये समझ लीजिए एक प्लेन है और यहाँ पे नंबरिंग है, ऑलरेडी नंबरिंग है, ऐसे समझ लीजिए। नंबरिंग कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। और यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5। और हमें कितना रखना है? 3,0। तो ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3,0।
इस पॉइंट को हमने लिख दिया 3,0, ये एक पॉइंट हो गया। ऐसे ही -5,4 देखिए, -5 किधर होगा, इधर होगा, 1, 2, 3, 4, 5, और इधर 1, 2, 3, 4, यानी कि इनको मिलाने वाले पॉइंट्स, इनको मिलाने वाले पॉइंट्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, -5,4। तो ऐसे हमने क्या कहते हैं कि प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट्स इन अ प्लेन भी पढ़ लिया था, कि कैसे हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। फिर उसके बाद में इतनी चीजें हमने 9th में पढ़ी थी। अब हम बात करते हैं कि हमने 10th में क्या क्या पढ़ा था। हमने 10th में पढ़ा था कि अगर एक प्लेन में दो पॉइंट्स हैं, एक प्लेन है, कहीं पर भी दो पॉइंट्स, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ये समझ लीजिए x1 y1 है और ये है x2 y2, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, यानी कि हमने पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पढ़ा था। तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो निकालना है। तो डी इक्वल टू एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कितना पढ़ा था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही पढ़ रखा है। ओके, जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 3,4, -5,0, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो अब देखिए हमारे पास में क्या कहते हैं कि दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट्स का क्या कहते हैं, क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो अब डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास में है ही, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे देखिए x1 y1 x2 और ये है y2, तो कितना हो जाएगा, x2 - x1, x2 की वैल्यू कितनी है, -5, -x1 की वैल्यू कितनी है, 3, -5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है, 0, -y1 की वैल्यू कितनी है, 4। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर, यानी कि इसको सॉल्व कर लीजिए, -8 का स्क्वायर 64 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, यानी कि √80, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4√5 यूनिट्स, कितने ये हो गए, 4√5 यूनिट्स। तो ये हमने दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल लिए, ये सारी बातें हमने क्लास 10th में पढ़ी थी। फिर नेक्स्ट क्या पढ़ा था, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि नेक्स्ट बात हमने पढ़ी थी कि सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला क्या था, सेक्शन फॉर्मूला मतलब क्या था, कि जैसे एक पॉइंट है, यहाँ आप समझ लीजिए, जैसे ये है ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, यहाँ पे ये x1 y1, ये एक लाइन है। अब इसको क्या कहते हैं कि किसी इस लाइन को एक पॉइंट सी है जिसने इसको क्या कहते हैं कि m रेशियो n में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, या m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर दिया है। क्या सी पॉइंट ने ए बी को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया m1 रेशियो m2 में, तब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा सी का, तब जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, x=m1x2 प्लस में m2y1 अपॉन में पढ़ा था m1 प्लस में m2। इसी तरीके से y का जो क्या कहते हैं कि आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, m1y2 प्लस में वो m2y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ये हमने क्या कहते हैं कि पढ़ा था 10th में। ओके, अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ 3,4, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स
3.4 एंड -5.0। ओके, तो कह रहे हैं कि एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ रही है। किन दोनों पॉइंट्स को जोड़ रही है? 3.4 और -5.0। अब ये पता नहीं कहाँ पे है, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं। जस्ट ऐसे ऐसे हाइपोथेटिकल हम मान लेते हैं कि लाइन ऐसे गई होगी ए और बी, जस्ट ऐसे समझ लेते हैं। लाइन है तो यहाँ पे इसको मैं मान लेता हूँ 3.4 और इसका मैं मान लेता हूँ कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -5.0। कह रहे हैं इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? मिड पॉइंट का मतलब हुआ कि ए बी लाइन जो है वो दो डिवाइड इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। जब कोई चीज दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है तो क्या होता है, उसका रेशियो कितना होगा, 1:1। जब कोई भी चीज दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी तो उसका रेशियो कितना होगा, वो यानी कि वो पॉइंट उसको कितने भागों में डिवाइड करेगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी कि हमारे पास में M1 की वैल्यू 1 आ गई, M2 की वैल्यू क्या आ गई, 1। X1 की वैल्यू 3 है, Y1 की वैल्यू क्या कहते हैं, 4 है, X2 की वैल्यू क्या कहते हैं कि -5 है, और Y2 की वैल्यू कितनी है, 0। ओके, अब हमें क्या निकालना है, X और Y निकालना है। क्या निकालना है, X और Y। तो X निकाल लेते हैं, देखिए कितना होगा X की वैल्यू, यहां से निकालेंगे X इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, M1 X2 प्लस में M2 X1 अपॉन में M1 प्लस में M2। अब क्योंकि M1 और M2 तो 1 है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ 1 इंटू में X2 की वैल्यू कितनी है, -5, प्लस में 1 इंटू X1 की वैल्यू 3, तो -5 + 3 कितना हो जाएगा, -2 अपॉन में 2, इसको कैंसिल कर दीजिए, -1। Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसे 1 इंटू 0 प्लस में 1 इंटू में 4 अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा, 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 0 + 4 अपॉन में 2, यानी कि कितना हो गया। अच्छा यहाँ पर भी इसका वाई का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होगा, M1 Y2 प्लस में M2 Y1 अपॉन में M1 प्लस में M2, और हमने अब ये वैल्यू रख ली तो ये आ गया, और इसकी वैल्यू 0 + 4 यानी 2 अपॉन 2, यानी कि कितना आ गया, 1। कितना आ गया, सॉरी, 0 + 4 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यानी कि हमारा ये जो कोऑर्डिनेट आ गया, सी का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ सी कितने आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, वो कितना आ गया, -1.2। ओके, तो यानी कि आपको यहां तक समझ में आ गया, हमने यहां तक 10th में पढ़ा था। और एक फॉर्मूला है क्या, एक चीज और था तीसरा, फाइंड द, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। अब देखना, अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल है ऐसे, और तीनों के वर्टेक्स, इसके कितने वर्टेक्स हैं, 3, ठीक है, 3 वर्टेक्स हैं। इसका मान लीजिए X1 Y1 कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, X2 Y2, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, X3 Y3, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, X1 Y1, इसका कोऑर्डिनेट X2 Y2। हमने 3 पॉइंट्स ले लिए, अब हमें क्या करना है, इसका क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, ये भी 10th की बुक में था, लेकिन पिछले साल क्या हुआ था, सिलेबस से हट गया था ये। तो 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 X1 Y2 - Y3 प्लस X2 Y3 - Y1 प्लस में X3 Y1 - Y2। ओके, तो ये हमारे पास में कितने थे, 3 फॉर्मूले, ये आ गया। ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था, इससे भी ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ। और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर एरिया 0 आ जाए तो, इफ एरिया इक्वल टू 0, ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि अगर एरिया 0 हो गया तो सारे के सारे तीनों ही पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। कोलिनियर का मतलब सेम लाइन पे होंगे। अच्छा, किसी एक लाइन का एरिया कितना होता है, अब मान लो कभी पूछ लिया कोई
फाइंड द एरिया ऑफ अ लाइन। तो भाई लाइन का थोड़ी ना कोई एरिया होता है, तो हम क्या बता देंगे वहां पे, आंसर दे देंगे कि जीरो, उसका आंसर जीरो हो जाएगा। यानी कि एरिया, लाइन का एरिया नहीं होता, इसी वजह से तो जब तीनों ही पॉइंट्स का, जब एरिया जीरो आ गया तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन पे है ना। कैसे, अब देखो यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे बना दूँ, सोचो अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता तो ऑब्वियस सी बात है एक ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। हाँ, अगर ये पॉइंट मैं यहाँ पे बना दूँ, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा, और ट्रायंगल बनेगा तो एरिया आएगा ही है। और थोड़ा सा पास कर दूँ, अभी भी ट्रायंगल बन रहा है, जब तक ट्रायंगल बनता रहेगा तब तक एरिया आएगा। और जैसे ही क्या कहते हैं कि तीनों पॉइंट सेम लाइन पे हो जाएंगे, और हमें पता है एक लाइन का एरिया थोड़ी ना होता है, तो इस वजह से अगर जब एरिया जीरो आ गया तो ट्रायंगल का एरिया अगर जीरो आ गया तो क्या कहते हैं कि वो तीनों ही पॉइंट्स क्या होंगे, सेम लाइन पे होंगे। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ गिवन पॉइंट्स, एक तीन पॉइंट्स हैं इनका एरिया निकालना होगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई पॉइंट 0.0, 3.0 एंड 0.5, सॉरी 4.0 एंड 0.5, इसका एरिया निकालना है। तो देखते हैं क्या होगा, फिर से वही, सबसे पहले x1 लिख लो, x1 इक्वल टू कितना है, 0। y1 की वैल्यू कितनी है, 0। x2 की वैल्यू लिख लो 4, y2 की वैल्यू लिख लो 0, x3 की वैल्यू कितनी लिख लो, 0, और y3 की वैल्यू लिख लो 5। अब हमारा एरिया ऑफ द फॉर्मू एरिया ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्रेंगल का जो फॉर्मूला था वो क्या था, हाफ। अब देखना, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, x1 1, अब यहाँ पे लिख लो y2 -y3। अब देखो प्लस x2 लिख लीजिए, 2 के बाद में क्या आता है, 3 माइनस, यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस में x3, फिर से यहाँ पे क्या कहते हैं कि y1 -y2। ओके, ये हो गया हमारे पास में एरिया। अब उसके बाद में क्या करते हैं, हाफ, x1 की वैल्यू कितनी है, 0, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है 0 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है, 5, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, 4, y3 की वैल्यू कितनी है, 5, माइनस y1 की वैल्यू 0, प्लस x3 की वैल्यू 0, और यहाँ पे क्या कहते हैं कि y1 की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस y2 की वैल्यू 0। ओके, यानी कि हमारे पास में यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/2, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 0, तो 1/2 × 20 तो कितना आ गया, 10। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, 10 यूनिट स्क्वायर, हाँ 10 स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया आ गया। ओके, 10 स्क्वायर यूनिट क्या हो गया, एरिया आ गया, जो भी होगा। अब यहाँ तक हमें समझ में आ गया, ये सब हमने कहाँ पे फॉर्मूले पढ़ रखे थे, क्लास 10th तक हमने ये सारे फॉर्मूले पढ़ रखे थे। अब यहाँ पे एक चीज और हमने क्लास 9th में पढ़ा था, वो भी मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कि ये 0.4 समथिंग कुछ लिखा हुआ, 0.4, तो यहाँ पे 0 क्या है, 0 क्या होता है, एब्सिसा होता है, क्या होता है, एब्सिसा। ओके, और वहीं पे जो 4 है वो क्या है, ऑर्डिनेट है, क्या है, ऑर्डिनेट। ओके, और एक चीज ध्यान रखना, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है, कहाँ पे पढ़ रखी है, क्लास 10th तक पढ़ में। अब हमारे क्लास 11th में क्या आता है, सबसे पहला जो टॉपिक आएगा हमारे क्लास 11th का वो है स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन का मतलब क्या हुआ कि लाइन का कितना ढलान है या लाइन कितनी झुकी हुई है। ओके, स्लोप को कभी कभी ग्रेडियंट भी बोल दिया जाता है, स्लोप को कभी कभी क्या बोल दिया जाता है, ग्रेडियंट
ग्रेडियंट भी बोल दिया जाता है कि इसका ग्रेडियंट कितना है। ओके क्या GRADIENT, स्लोप और ग्रेडियंट कुछ भी बोला जाएगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, काफी बार सुन रहते हैं। तो क्या होता है स्लोप ऑफ लाइन को जानने से पहले एक चीज और सबसे ज्यादा जरूरी जानना क्या है वो मैं बता देता हूँ। स्लोप ऑफ लाइन को जानने से पहले भी सबसे ज्यादा जरूरी जानना है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। क्या जानना जरूरी है? इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन के इंक्लिनेशन से मतलब क्या होता है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ओके अब समझिएगा, यहां पे हमने एक लाइन खींच दिया ऐसे, यहां से हमने लाइन खींच दिया ऐसे। इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ में कितने एंगल बना रखे हैं, दो, एक ये बना रखा है थीटा और एक ये बना रखा है 180 माइनस थीटा। कितना, एक बन रखा है थीटा और एक बन रखा है 180 माइनस थीटा। ओके तो इस लाइन ने, इस लाइन का नाम दे देता हूं एल। ओके अब जो इस लाइन ने क्या कहते हैं, कितना एंगल बना रखा है थीटा। अब ध्यान में रखना कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन का मतलब क्या होता है कि लाइन एल ने कितना एंगल बनाया हुआ है, लाइन एल ने कितना एंगल बनाया हुआ है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ में, किसके साथ में, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ में। तो इंक्लिनेशन ऑफ द एंगल का मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, द एंगल मेड बाई द लाइन एल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एंड ये जो इंक्लिनेशन होता है वो मेजर किस में किया जाता है, मेजर एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मेजर किया जाता है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि ये वाला एंगल हमारा क्या हुआ, इंक्लिनेशन हुआ। ओके ये जो थीटा हुआ वो क्या हुआ, इंक्लिनेशन हुआ। यानी कि हमें यही समझना है, जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक हम क्या कहते हैं कि इसका ये नहीं बता सकते। ओके यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है। अब मुझे बताना, अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो बताइएगा, ये एक लाइन, ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। अब इस लाइन का एक इंक्लिनेशन कितना होगा, ए बी का। ओके सेकेंड क्वेश्चन ये है, ये अब इस लाइन का इंक्लिनेशन बनाना है, ये वाई एक्सिस है, इसको सी डी। ओके हमें इसका इंक्लिनेशन बनाना है, बताना है, और ए बी का इंक्लिनेशन बताना है। अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊं, तो सबसे पहले इस डायग्राम को देखो, सेकेंड वाले डायग्राम को देखो, तो फिर मैं बताता हूँ। सेकेंड वाले डायग्राम में हम जाते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टे दिशा में। तो एंटी क्लॉकवाइज हम इधर की इधर चल रहे हैं, तो इधर गए तो कितना एंगल बनाया इसने, 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पे इंक्लिनेशन कितना हुआ, इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पे कितना हुआ, 90 डिग्री। इसमें देखते हैं, अब हमें पता है दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है, 0। यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पे कितना होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पे कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा, 0 डिग्री, और सेकेंड वाले में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज और समझना, क्या
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो तीसरा, अब मैंने बोला अ लाइन मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद, सॉरी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस साथ में एंड इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो कैसे? एंटी क्लॉकवाइज में जब हमने मेजर किया तो क्या होता है, कितना एंगल बनाती है? 30 डिग्री। इधर बना लिया 30 डिग्री। अब हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहाँ से मेजर करना पड़ता है? एक्स एक्सिस से। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमेशा कहाँ से मेजर करना पड़ता है? एक्स एक्सिस से। तो यानी कि यहां से यहां तक जाओ कितना हुआ, 90 प्लस 30, यानी कि यहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हुआ, 120 डिग्री। ओके, तो आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जब मैं स्लोप की बात करूंगा ना, स्लोप ऑफ लाइन, तो स्लोप ऑफ लाइन एक्चुअल में होता ही है, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू फॉर्मूला याद कर लो, टैन, हाँ, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का जो टेंजेंट होता है वही होता है स्लोप ऑफ लाइन। क्या स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू टेंजेंट टेन थीटा। क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू टेन थीटा। यानी कि सबसे पहला फॉर्मूला हमें मिल गया, स्लोप ऑफ लाइन की वैल्यू कितनी होगी, एम इक्वल टू टेन थीटा। स्लोप ऑफ लाइन को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, एम इक्वल टू में कितना हो जाएगा, टेन थीटा। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। ओके ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहले दो क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू, विच इज, इसमें दो पार्ट है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस सेकेंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, हमें ये समझना है। तो अभी हमने बताया था स्लोप का क्या फॉर्मूला है भाई, स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत है? अगर मुझे एंगल के फॉर्मूले से, मतलब कि अगर मुझे एंगल का यूज करते हुए स्लोप निकालना है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, यानी कि हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चाहिए। अभी तक जो हमने पढ़ा है एम इक्वल टू टेन थीटा, अब तक भर में हमें स्लोप निकालने के लिए क्या चाहिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो अभी मैंने ऊपर बताया था पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कितना बताया था, 0 डिग्री। कितना था, 0 डिग्री ना। जब दो, ये देखो ये लाइन है एक्स एक्सिस, अब इसके ऊपर एक लाइन खींच दो, इन दोनों का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 0 डिग्री। तो अब मुझे इसका क्या निकालना है, स्लोप एम इक्वल टू में क्या होता है, टेन थीटा। तो यानी कि एम इक्वल टू में कितना हो जाएगा, टेन जीरो, यानी कि टेन जीरो की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। यानी कि हमें समझ में आ गया स्लोप ऑफ अ लाइन क्या, स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इक्वल टू जीरो। यानी कि कोई भी लाइन अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है
तो उसका स्लोप कितना होगा? 0 डिग्री, 0 होगा उसका स्लोप, कितना होगा? 0 होगा। ओके, यानी उसका ग्रेडियंट कितना होगा? 0 होगा। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो अब मुझे बताना है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कितना होगा? वाई एक्सिस के साथ में जब पैरेलल होगा तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा? 90 डिग्री होगा क्या? ये तो कैसे, ये देखो हमने ऐसे पढ़ा था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल है? 90 डिग्री ना, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? 90 डिग्री। एम इक्वल टू स्लोप निकाल लेते हैं, क्या होता है टेन थीटा, तो यानी कि कितना हो जाएगा? टेन 90। आप लोगों को वैल्यू याद ही है कि टेन 90 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट, या जिसे हम कह सकते हैं नॉट डिफाइंड, क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड, यानी कि स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, यानी कि जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी उसका स्लोप क्या होगा? डिफाइंड ही नहीं है। ओके, यहां तक हमने सीख लिया। अब कभी कभी क्वेश्चन तो यही आ जाता है, क्वेश्चन क्या दे देते हैं, व्हाट इज द स्लोप ऑफ, व्हाट इज स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। अब मुझे बताना कि एक्स एक्सिस कितना एंगल बनाती है खुद के साथ में? पहला पहला पार्ट, एक्स एक्सिस खुद के साथ में कितना एंगल बनाती है, यानी कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालोगे कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि कोई भी लाइन अपने खुद के साथ में कितना डिग्री बनाएगी? 0, यानी कि कह रहे हैं एक्स एक्सिस ही कितना स्लोप बना रही है, तो एक्स एक्सिस खुद के साथ में कितना एंगल बनाती है? 0, तो यानी कि एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेन 0, और टेन 0 की वैल्यू कितनी? 0, यानी कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना हो गया? 0। और इसी तरह सेकेंड पार्ट, अब की थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि एक्स एक्सिस ने वाई के साथ में कितना, आपकी वाई एक्सिस का निकालना है ना, तो कितना एंगल बना रखा है? 90 डिग्री। कितना एंगल बन रखा है? 90 डिग्री, ये बन रखा है ना, ये एक्स और वाई के बीच में कितना डिग्री बन रखा है? 90 डिग्री, यानी कि आपकी एन, तो यानी कि एम इक्वल टू टेन थीटा, टेन 90, और टेन 90 की वैल्यू कितनी हो गई? इनडिफिनिट। यानी कि हमें इतना बात समझ में आ गया कि स्लोप ऑफ वाई एक्सिस कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, और स्लोप ऑफ के कहते हैं कि एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा? 0। ये अभी तक हमने सीख लिया, यहाँ तक सीख लिया ना। अब क्या करते हैं कि अब आगे हमें क्या करना है, कभी कभी क्या होता है कि ये अभी तक हमने सीख लिया कि अगर जब एंगल दिया होगा, तो अगर मुझे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता होगा तो मैं एम इक्वल टू में टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दूंगा और बड़े आसानी से क्या कहते हैं कि हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, कभी कभी क्या होता है कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, तो अब हमें उसका स्लोप निकालना होगा। यानी कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक ये हो जाएगा स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द गिवेन लाइन आर गिवेन। समझना, अगर मान लो ये कोई लाइन दिया हुआ है ऐसे, मुझे इसका स्लोप निकालना है, तो कभी कभी क्या हो सकता है कि ऐसे हमें दो पॉइंट्स कोई भी दिए होंगे, कोई भी दो पॉइंट्स कहीं पर भी दे सकते हैं, और अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तब मुझे स्लोप का क्या फॉर्मूला लगाना है, यानी ये x1 y1 दिया हुआ है
और ये एक्स टू वाई टू दिया। ओके, अब मुझे स्लोप निकालना है, तो स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पे जो होगा एकदम सिंपल है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। ओके, स्लोप का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। कैसे आया होगा सोचते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये अब ये एंगल अगर इसने क्या कहते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा रहा होगा। अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूँ, इस डिस्टेंस की अगर मैं इसको बोल दूँ पी क्यू आर, तो मुझे बताना पी क्यू कितना होगा, पी क्यू होगा एक्स टू माइनस एक्स वन, और क्यू आर कितना होगा, क्यू आर वाई टू माइनस वाई वन। और आपको मैंने पहले, अच्छा यहाँ से टेन थीटा निकाल लो, टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन वे बेस, तो कितना हो जाएगा क्यू आर अपॉन वे पी क्यू। अब क्यू आर की वैल्यू कितनी है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में पी आर की वैल्यू कितनी है, एक्स टू माइनस एक्स वन। और हमें पता है कि टेन थीटा ही क्या होता है, एम यानी स्लोप होता है, यानी कि स्लोप ऑफ टू, अगर दो पॉइंट दिए हुए तो उनका स्लोप क्या हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अब फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड -3.5। ओके, अब समझते हैं, ओरिजिन से पास करिए और -3.5 से, यानी कि अब कोई भी एक लाइन है वो दो पॉइंट से पास करिए, एक तो ओरिजिन से, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0.0, और दूसरा पॉइंट क्या है, -3.5। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, तो स्लोप हमें पता है दो पॉइंट्स होंगे तो वाई एम इक्वल टू में क्या निकाल लेते हैं, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। वाई टू की वैल्यू कितनी है, फाइव माइनस, अच्छा पहले मैं एक्स वन की वैल्यू लिख देता हूँ 0, वाई वन की वैल्यू लिख देता हूँ 0, सॉरी हाँ, और एक्स टू की वैल्यू लिख देता हूँ -3, वाई टू की वैल्यू लिख देता हूँ 5। तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कि हमारा स्लोप कितना आ गया, 5 अपॉन -3। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को स्लोप का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा क्या है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो समझ में आ गया, स्ट्रेट लाइंस की बेसिक हमने आपको बता दी, यहाँ तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते ये सब मैंने आपको बता दिया, और आपने पीछे क्या क्या पढ़ गया है, तो यहाँ तक जस्ट एक बेसिक हमने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जब लाएंगे तो उसमें हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके।